गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कुंजाई ट्रेनिंग सेशन वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स के मेथड्स की। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स है क्या और उसके क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हम किसी भी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो हियर यू कैन सी देयर इज ए ग्राफ। हम इसके बारे में भी आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, प्लान डू चेक एक्ट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो इम्प्रूवमेंट का साइकिल है वो इसके पीडीसीए साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। हम आने वाले सेशंस में पीडीसीए के ऊपर भी बात करेंगे। और जब हम ये साइकिल फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। आपने एक वर्ड सुना होगा, कंटिन्यूअस मींस लगातार, और कंटिन्यूअल मे बी आज आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस की और इसका डिफरेंस समझेंगे। कंटिन्यूअस मींस लगातार, किसी चीज में लगातार हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन किस वे में। अगर मैं एक ग्राफ देखूं, इसकी एक्स एक्सिस पे मैं इंप्रूवमेंट लिखूं, फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एंड वाई एक्सिस पे अगर मैं टाइम लिखूं, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी दैट इज इंक्रीज्ड, और फिर एक टाइम के बाद क्वालिटी डिक्रीज कर गई, फिर क्वालिटी इंक्रीज करी, फिर क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर गई, और यह ग्राफ इस तरह से बना। तो अगर मैं ऑल ओवर ग्राफ को देखूं तो क्या था, क्वालिटी में इंक्रीज तो हुआ लेकिन बीच बीच में डिक्रीज भी आया है, ठीक है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअल की बात करूं, सो हाउ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सेम टाइम एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। सपोज जब फेवरेबल टाइम आया तो प्रोडक्ट की क्वालिटी या किसी प्रोसेस में जो इंप्रूवमेंट थी हम यहां तक लेके आए, अब टाइम फेवरेबल नहीं था, कुछ कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जहां तक हमने क्वालिटी को मेंटेन करा था उसको वहीं तक हमने सस्टेन किया, ठीक है। इसके बाद जब फेवरेबल टाइम आया तो क्वालिटी को इंप्रूव किया, ठीक है। सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअल। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल, राइट। मींस जब भी हमें इंप्रूवमेंट करनी है तो अगर हम एक लेवल अचीव कर लें, हमें उसको सस्टेन करना है, उससे ऊपर बढ़ना है, उससे कभी भी नीचे नहीं जाना है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हम कहां कहां कर सकते हैं, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी में और प्रोडक्ट की क्वालिटी में। इन सब में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की, हमें इन सब की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाना है। एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी को कैसे हम और इंप्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूअली। सबसे पहले आपको वेंडर सिलेक्शन एंड ऑडिट, मींस जहां से आपका मटेरियल आ रहा है आपको वहां पे क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है उसके ऊपर आपको क्वालिटी कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। इन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, उसको फिनिश गुड बनाने के लिए, उस प्रोसेस में भी आपको क्वालिटी चेक्स लगाने पड़ेंगे ताकि मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसमें कोई फॉल्ट या डिफेक्ट ना आए।
जो मटेरियल फिनिश गुड्स बन गया जो कंप्लीट है डिस्पैच के लिए, वो भी प्रियर टू डिस्पैच, डिस्पैच से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल की क्वालिटी एश्योरेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर सेल एंड सर्विसेज, सपोज मैंने मटेरियल कस्टमर को दे दिया, फिर भी कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी रनिंग में, उसके यूजेज में, तो आपको कस्टमर एंड पे जाके भी आपको जो डिफेक्ट है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इंप्रूवमेंट्स, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स क्या हैं और हमें ये कहां कहां करने हैं। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, और इम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए और उसको और इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ और सेफ्टी को और इम्प्रूव करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ आईएसओ 9001 एंड 2015। आप ये साइकिल देख सकते हैं जो पीडीसीए साइकिल मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी। सो what we do for quality planning to make improvements, what we do, we make plan, हम plan बनाते हैं कि quality को कैसे maintain करना है, quality को कैसे sustain करना है और कैसे improve करना है। So we need support from our vendors, our resources, man, machine, material and method, जो मैंने दूसरे training session में already discuss किए हैं। ऑपरेशंस मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आप यूज करते हैं किसी मटेरियल को बनाने के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कैसे मटेरियल बनेगा, कौन बनाएगा, कब बनाएगा, ये सारा ऑपरेशन के अंडर आता है। इस सब की प्लानिंग के बाद आप उस प्लानिंग को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसमें जो जो आपने क्वालिटी चेक्स लगाए हैं उनको आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो, जो हम ईयरली या सिक्स मंथली, हाफ ईयरली जो भी करते हैं कि हमारी प्रोसेस कैसी चल रही है, उसका डाटा एनालिसिस होता है, या अगर हम अपने सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं, इट मींस इट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दैट इज चेक। और इस तरह से जो साइकिल है वो हमारा इंप्रूव होता है, देन अगेन वी हैव टू एक्ट। ठीक है, सो इट इज अ कंप्लीट साइकिल। आज हम सिर्फ बात करेंगे वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस की, कि हमें वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है। आज के सेशन में आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सो व्हाट ब्रेनस्टॉर्म बिजनेस नीड, सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट वेंडर से क्या है। ठीक है, वेंडर से हमें क्या क्या चाहिए। व्हाट एनालाइज द रिजल्ट्स, वेंडर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स क्या है। जैसे हम सीओए रिसीव करते हैं, एग्री ऑन नीडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वेंडर के साथ जो हम MOM, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए, क्या सर्विस हमें चाहिए, इस सब पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेजेंट द सिचुएशन टू टॉप मैनेजमेंट, जो वेंडर सिलेक्शन की जो मूवमेंट है, कैसे वेंडर सिलेक्ट करना है, वेंडर को कैसे हमने जो भी उसका मैनेजमेंट है, आपको मैनेजमेंट तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। एंड बिगिन वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद आपको जो एक्चुअल वेंडर सिलेक्शन करनी है वो प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सर्वे फीडबैक। आप वेंडर की सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वे करो, एक्सपीरियंस, फीडबैक, मार्केट से आपको पता होना चाहिए, आजकल सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दी है, कौन सा वेंडर टॉप में चल रहा है, आपको अपने कुछ क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे कि मेरे को कौन कौन से क्राइटेरिया पे जो वेंडर है उसको इवेल्युएट करना है, देन आपको ऑडिट करना है,
जो भी फीडबैक आपको मिला है आपको उसके बेस पे ऑडिट करना है, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि एक्चुअल में जो मेरे पास फीडबैक है वो एक्चुअल में है या नहीं है. देन एज पर ऑडिट यू हैव टू गिव सिलेक्शन और असेसमेंट. आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी और नंबरिंग के हिसाब से उसकी सिलेक्शन करनी है. इवेल्युएशन एंड रैंकिंग. आपने 10 वेंडर एक प्रोडक्ट के लिए अगर सिलेक्ट किए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑडिट टू ईच एंड एवरी वेंडर यू हैव टू गिव रैंक. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. सो फर्स्ट थ्री आई कैन मेक दिस माई वेंडर. आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज हैं वेंडर की. वेंडर ऑडिट एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए. ऑडिट चेक शीट, ये भी ऑडिट चेक शीट, हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट चेक शीट, आने वाले ट्रेनिंग सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे. नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स कम्युनिकेशन. अगर कोई एनसी प्रोडक्ट वेंडर के पास बन जाता है तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे रहेगी आपके साथ. सपोज आपने ऑर्डर दिया है पैकिंग मटेरियल का कि मेरे को 1,00,000 पीस पैकिंग मटेरियल के चाहिए, लेकिन इन केस वो अगर नॉन कंफर्मिंग हो जाते हैं, वो मटेरियल गलत बना देता है, तो उसके पास बैकअप प्लान क्या है. आपको अर्जेंट मटेरियल चाहिए था लेकिन उसका मटेरियल बिगड़ गया, खराब हो गया, तो उसके पास प्लान बी क्या है और वो आपको कैसे कम्युनिकेट करता है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एनसी प्रोडक्ट्स रूट कॉज एनालिसिस, दैट इज सेकेंडरी पार्ट. के एक तो उसने मटेरियल खराब बना दिया लेकिन उसके पास प्लान बी है, वो आपको इमीडिएटली मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो गलती हुई है उसका रूट कॉज एनालिसिस वेंडर के पास होना चाहिए. एक फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए जिससे वो रूट कॉज एनालिसिस कर सके, ठीक है. और वो रूट कॉज एनालिसिस की जो प्रोसेस है और जो कंप्लीट उसका डेटा होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करे. नॉन कंफर्मिटी क्लोजर. जो एनसी आई है, नॉन कंफर्मिटी आई है, अगर मटेरियल उसके पास कुछ मटेरियल खराब आता है या कोई मटेरियल आपके पास ऐसा पहुंच गया जो कि खराब था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी जो नॉन कंफर्मिटी है उसकी क्लोजर रिपोर्ट ही मस्ट हैव टू सबमिट टू यू. उसके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट. अगर एक जगह पे उसकी गलती आई है और सिमिलर प्रोसेस उसकी दूसरी जगह चल रही है, तो उसको जो चेंजेस उसने करे हैं रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद, वो उसको दूसरी जगह पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे. काउंटर मेजर वेरिफिकेशन. आपको एक टाइम के बाद रूट कॉज एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम 1 month या 6 month के बाद आपको फिर से जो काउंटर मेजर था, मींस उसने जो चेंजेस करे थे एनसी के टाइम में, वो अभी चल रहे हैं या फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है, ये आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी. दिस इज द लास्ट स्लाइड. वेंडर इवेल्युएशन परफॉर्मा और फॉर्मेट. इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है कि वेंडर सिलेक्शन के टाइम में आप किस तरह से एक फॉर्मेट बना सकते हो. क्राइटेरिया यहां पे दिया है. फर्स्ट वन इज ऑन टाइम डिलीवरी. सो आप देख सकते हो उसने परफॉर्मेंस कैसी दी. आप इसकी अपने हिसाब से नंबरिंग दे सकते हो, फ्रॉम 1 to 10, या गुड, बेटर, बेस्ट, या बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन. इस तरह से आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट है उसको मॉडिफाई कर सकते हो. इट इज जस्ट कॉमन एग्जांपल. अगर आप यहां पे पुअर नंबरिंग देते हो तो आप यहां पे कमेंट्स लिख सकते हो कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी पे इसको 10 में से 2 नंबर दे रहा हूं, और क्यों दे रहा हूं मैंने उसके कमेंट्स आगे डाल दूंगा. एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ द मटेरियल. मैंने पिछले 6 महीने में इतना मटेरियल, इतने मीट्रिक टन मटेरियल उससे लिया है और उसमें से कितना मटेरियल मेरे पास खराब आया है, तो आप इस तरह से
इस तरह का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट इज टेक्निकल रिपोर्ट क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप उसको कितने नंबर दोगे, फैसिलिटी परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, पर्सनल परफॉर्मेंस, कंप्लायंस परफॉर्मेंस, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, देन हियर इट इज टोटल स्कोर। अगर इस तरह की जो शीट है आप अपनी प्रोसेस के हिसाब से किसी वेंडर के लिए डिफाइन करते हो और जो वेंडर हैं उनकी इवेल्युएशन इस प्रोसेस से करोगे तो आप डेफिनेटली जो वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप अपना सही परफॉर्मेंस दे सकते हो और आने वाले टाइम में वेंडर डेवलपमेंट और जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आप कर सकते हो। एंड सेकंड, आपकी जो अपनी क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है या जो प्रोसेस क्वालिटी है, इस तरह के प्रोसीजर से आपकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो आज के सेशन में, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के सेशन में आज इतना ही था। नेक्स्ट कुंजाइट सेशन में हम दूसरी प्रोसेसेस के ऊपर बात करेंगे कि फिनिश गुड्स क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और रॉ मटेरियल क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।